नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 मार्च सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के तोगावास के निकट हाईवे पर होटल विमलदीप पर पुलिस ने छापा मारते हुए तहखाने में चल रहे देव व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 युवतियों को गिरफ्तार किया। 2 युवतियां टोंक जिले की व 1 कोटा क्षेत्र की है। पुलिस ने बताया कि हाईवे पर तोगावास के निकट होटल विमलदीप पर देव व्यापार की सूचना लंबे समय से मिल रही थी। इस पर पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर होटल में भेजा। होटल के नीचे बनने अंडरग्राउंड में 3 युवतियों को देव व्यापार के आरोप में पिटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार होटल मालिक के बारे में पता किया जा रहा है। होटल मालिक भी महिला बताई जा रही है। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 28 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 16 अप्रैल को होना संभावित है। वहीं इंटरव्यू का संभावित कार्यक्रम मई माह में है। जनरल स्ट्रीम ग्रेड ए पदों के लिए निर्धारित स्केल के मुताबिक सैलरी दी जाएगी, जो 70,000 रुपये प्रति माह से शुरू होगी। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर बैठे मामा भांजा गंभीर घायल हो गए। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मामा को मृत घोषित कर दिया। घायल भांजे का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि रजई का पूरा निवासी उदल सिंह अपने मामा मेघ सिंह के साथ बाइक पर अपने ननिहाल कुदिन्ना गांव जा रहे थे। नेशनल हाईवे 11B पर बिजोली गांव के पास सामने से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मामा मेघ सिंह की मौत हो गई। नागौर जिले की मैरता थाना क्षेत्र के लाडवा गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक घर से बाहर निकला था। सोमवार सुबह गांव में स्थित गौशाला के पास उसका शव पड़ा मिला। आशंका है कि अवैध संबंधों के शक में उसकी हत्या कर लाश को यहां फेंक दिया गया है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का शक भी जाहिर किया है। पुलिस ने बताया कि राजेश निवासी लाडवा का शव सोमवार सुबह लाडवा स्थित गौशाला के सामने पड़ा था। बताया जा रहा है कि राजेश अपने घर से रात 2 बजे निकला था। पुलिस ने बताया कि राजेश की हत्या कर शव यहां पटका गया है। उसके शरीर पर संगीन चोटों के निशान है। जाँच शुरू कर दी गई है, जल्द ही मामले का खुलासा कर देंगे। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे बार और क्लबों पर एक बार फिर से CST और DST ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 6 से ज़्यादा जगहों पर दबिश दी। इसके बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। वहीं क्लब को संचालित करने वाले मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया। अशोकनगर थाना क्षेत्र में JJ क्लब और मैट बार क्लब पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 26 लड़के और 9 लड़कियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इन सभी को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। वही दोनों क्लब के मैनेजरों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अवैध रूप से हुक्का पिलाना, डांस बार एक्टिव करना सहित कई अनियमितताएं मिलने पर पुलिस ने यह एक्शन लिया। पुलिस मैनेजरों से पूछताछ कर रही है। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में जहरीला कीड़ा काटने से किसान की मौत हो गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने किसान को अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो हिंडौली अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि किसान देवीलाल अपने खेत में काम करने गया था। घर नहीं लौटने पर परिजन और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग खेत पर गए तो वहां पर देवीलाल अचेत अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों की मदद से परिजन किसान को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया किसी जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत की आशंका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी थाना क्षेत्र के चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर गांव दल्लाखेड़ा के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि कार अहमदाबाद से कोटा की ओर जा रही थी। मृतक की पहचान कानपुर निवासी अनवर हुसैन के रूप में हुई है। कार में पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद हादिर, कानपुर के दंपति अनवर हुसैन और अनवर की पत्नी सोना हुसैन सवार थी। यह अहमदाबाद से हर्बल गुलाल का प्रशिक्षण लेकर लौट रहे थे। हादसा चालक को झपकी आने के कारण होना बताया जा रहा है।
पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के फार्म हाउस पर सेंध लगाते हुए करीब 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। डीएसपी स्वयं टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर जिले के सिंधी कैंप थाना क्षेत्र में इंटरव्यू के लिए होटल में बुलाकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दी है कि उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जहां आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दीपक नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। वहीं एक अज्ञात साथी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसकी बहन और मौसी को भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की और करीब 35 मिनट तक चली इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में उभरती परिस्थितियों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच बात ऐसे समय में हुई है जब रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन से छात्रों समेत अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी वार्ता की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा की गई मदद के लिए जेलेंस्की का आभार जताया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से मदद जारी रखने की अपील भी की। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।